बॉलीवुड में बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट आए और गए, कई बच्चों ने बड़े होकर फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाया, तो कई अब बॉलीवुड से दूर अब गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट रही बेबी गुड्डू नाम की। बॉलीवुड में एक बेबी गुड्डू नाम की चाइल्ड आर्टिस्ट थी, वो उस दौर की सबसे बड़ी चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी। हर बड़ी फिल्म में लीड कैरेक्टर का बचपन का रोल वो प्ले करती थी या फिर उनके बच्चों का किरदार निभाती थी। अब बेबी गुड्डू कहाँ है और वो क्यों फिल्मों में काम नहीं करती, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। चुलबुली और प्यारी सी बेबी गुड्डू याद है आपको? 80 के दशक में ज्यादातर फिल्मों में बाल कलाकार बनकर फिल्मों में छाई रहती थी बेबी गुड्डू। उस दौर की सबसे मशहूर चाइल्ड एक्टर थी। कई बार तो फिल्म के लीड कलाकारों पर भारी पड़ती थी। फिल्मों में कभी वो लड़का बनती थी तो कभी लड़की। हर लुक में बेबी गुड्डू कमाल कर जाती थी। बेबी गुड्डू का असली नाम शाहिदा बेग था। वो फिल्म मेकर MM बेग की बेटी है। बेबी गुड्डू ने औलाद, समंदर, परिवार, घर घर की कहानी, मुलजिम, नगीन और गुरु समेत करीब 32 फिल्मों में काम किया था। करीब 3 साल की उम्र में बेबी गुड्डू ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक्ट्रेस किरण जुनेजा बेबी गुड्डू को बॉलीवुड में लेकर आई, उन्हें बाल कलाकार के तौर पर फिल्में दिलवाई। देखते ही देखते बेबी गुड्डू बहुत मशहूर हो गई। 80 के दशक में हर दूसरी फिल्म में वो नजर आने लगी थी। बेबी गुड्डू ने श्रीदेवी, जयाप्रदा, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और मिथुन समेत इस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। एक लड़की होते हुए बहुत से फिल्मों में बेबी गुड्डू लड़के का रोल किया करती थी। उस छोटी सी उम्र में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब हुआ करती थी। 1984 में बेबी गुड्डू की पहली फिल्म आई थी पाप और पुण्य। बेबी गुड्डू को पहली ही फिल्म में खूब पसंद किया गया। उस दौर में टूथपेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक के एड में काम किया था। फिल्मों और विज्ञापनों की वजह से वो घर घर में मशहूर हो गई थी। बेबी गुड्डू को उन दिनों बॉलीवुड के सितारे खूब लाड प्यार देते थे। राजेश खन्ना को बेबी गुड्डू इतनी पसंद थी कि उन्होंने बेबी गुड्डू के लिए एक टेली फिल्म बनाई। बेबी गुड्डू के लीड रोल वाले उस फिल्म का नाम था आधा सच आधा झूठ। एक बाल कलाकार के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1991 में आई घर परिवार थी। 11 साल की उम्र के बाद बेबी गुड्डू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। बेबी गुड्डू इसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगी। आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले एक्टर्स बड़े होकर हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, लेकिन बेबी गुड्डू ने बाद के दिनों में फिल्मों में काम नहीं किया। देखा जाए तो वो काफी खूबसूरत थी। उनके पिता फिल्म मेकर थे, वो जब चाहे बतौर हीरोइन काम कर सकती थी, लेकिन वो मुंबई से दूर दुबई चली गई। बेबी गुड्डू अब दुबई में रहती हैं। वहाँ वो अमीरात एयरलाइंस के साथ काम करती हैं। बेबी गुड्डू की अब शादी हो चुकी है, लेकिन बॉलीवुड में उनका जो बचपन बीता उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।